दावे की अमेरिका की हवा निकल रही है। ईरान कह रहा है कि उसने 80 अमेरिकी सैनिक मारकर जनरल सुलेमानी का बदला ले लिया, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसने समय रहते ही अपने सारे सैनिकों की जान बचा ली है। अमेरिका का दावा है कि इराक से 10,000 किलोमीटर दूर तैनात अमेरिका के एक सिक्योरिटी सिस्टम ने ईरान के हमले पर पानी फेर दिया। ईरान का दावा है कि फतह 110 और कियाम 1 ने मिसाइल हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मार गिराए। अमेरिका का दावा है कि ईरान के हमले में उसने अपने एक एक सैनिक को बचा लिया। दावा यह है कि इराक में जिन दो बेस पर हमला हुआ वहां से करीब 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के मैरीलैंड में तैनात अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अमेरिकी सेना को हमले से अलर्ट कर दिया और वो बेस से सुरक्षित निकल गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, सब ठीक है, अब तक सब अच्छा है। दरअसल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जिसका बेस मैरीलैंड के फोर्ट मीड में है, उसने अमेरिकी सेना को ईरान की तरफ से होने वाले मिसाइल हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। अमेरिका के एनएसए के बेस का नाम है द डिफेंस स्पेशल मिसाइल एंड एरोस्पेस सेंटर, जिसके पास सैटेलाइट्स और रडार की पूरी फौज है। फोर्ट मीड से हीट डिटेक्शन के माध्यम से मिसाइल लॉन्च की जानकारी को इकट्ठा किया जाता है और रियल टाइम पर जानकारी दी जाती है। इराक की सेना के मुताबिक कुल 22 मिसाइलें ईरान ने दागी थी, 17 एन अल असद बेस पर, और जिसमें से 2 मिसाइलों में विस्फोट हुआ ही नहीं, और 5 मिसाइलें एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दागी गई थी। ईरान के हमले में अमेरिका यही दावा कर रहा है कि इसी अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से अमेरिकी सैनिकों की जान बचा ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।